अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, होप यू ऑल आर गुड। टुडे वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 5 फ्रॉम चैप्टर नंबर 20, दैट इज़ अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन। इन प्रीवियस लेक्चर्स, इन प्रीवियस क्लास, वी हैव डिस्कस्ड इट फॉर लॉट ऑफ टाइम दैट वी विल स्टडी डीएनए रेप्लिकेशन इन क्लास सेकेंड ईयर। What is DNA replication? DNA replication is basically the formation of copies of DNA molecule. DNA molecule अपनी new copies बनाता है during cell dividing stage. उसके लिए आपको पता है कि DNA जो होता है वो basically double helix molecule होता है, ठीक है। Replication के लिए ये पहले uncoil होता है, uncoil या फिर unzip होता है। unzip होने के लिए वो अपने आप को स्ट्रेट लैडर शेप स्ट्रक्चर में ले आता है। जब वो स्ट्रेट लैडर शेप स्ट्रक्चर में लेके आता है तो उसके बाद इसके जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं इनके दरमियान में बेसिस एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं और ये दोनों स्ट्रैंड इस तरीके से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ठीक है। ये 5' to 3' है, ये 3' to 5' है। अब होता क्या है कि आपके सेल के अंदर डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स उन न्यूक्लियोटाइड्स को लेके आते हैं और इन जो नाइट्रोजनस बेसिस पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड पर लगी होती हैं वो उसके आगे न्यू जो हैं वो बेसिस को एडजस्ट कर देते हैं। इस तरीके से हमारे पास दो न्यू मॉलिक्यूल डीएनए के बन जाते हैं और हर न्यू मॉलिक्यूल के अंदर उसके पेरेंट का जो पार्ट है वो साथ में अटैच होता है, ठीक है। बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए, ठीक है। ये ऐसे ही जैसे फोटोकॉपी मशीन के अंदर आप एक ट्रांसक्रिप्ट की कई सारी कॉपीज़ बना लें, ठीक है। अब इसकी रेप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिटेल इसका प्रोसेस है कि हाउ रेप्लिकेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस वो हम कल लर्न करेंगे, लेकिन आज हम जनरली कॉन्सेप्ट लेंगे कि डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके साइंटिस्ट हैं उन्होंने 3 types के मॉडल दिए थे। 3 types ऑफ मॉडल वर गिवन इन वर इन डिस्कशन फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, बट ओनली 1 model अमंग देम इज प्रैक्टिकल नॉलेज मॉडल, ठीक है। बाकी जो 2 हैं वो मतलब अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उस वक्त साइंटिस्ट के माइंड में थे, लेकिन बाद में जब हमारे पास रियल मैकेनिज्म आ गया डीएनए रेप्लिकेशन का तो वो जो 2 model थे वो रिजेक्ट हो गए। एक मॉडल जो सिंगल डीएनए का है वो अब एक्सेप्ट होता है। वो मैं बताती हूँ कौन सा मॉडल है। बेसिकली 3 models दिए गए थे, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल एंड डिस्पर्सिव मॉडल, ठीक है। डिस्पर्सिव मॉडल, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल की, या ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल की। इसके अकॉर्डिंग, इस मॉडल के अकॉर्डिंग वो लोग ये कहते हैं कि डीएनए इज अ डबल हेलिक्स, ठीक है। जब ये अनजिप होता है, व्हेन इट गेट अनकॉइल और अनजिप, द बेसिस बिटवीन देम गेट सेपरेटेड, ठीक है। ये 5' to 3' है और ये 3' to 5' है। आपको पता है कि बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रन एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बेस थी ए, यहाँ पर थी टी, यहाँ पर थी जी और यहाँ पर फिर थी ए। यहाँ पर बेस डेफिनेटली ए के सामने हमेशा टी होता है, टी के सामने हमेशा ए होता है, जी के सामने हमेशा सी होता है और ए के सामने हमेशा टी होगा, ठीक है। अब जब ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो गए, ठीक है, तो अब क्या होगा, 5' to 3', 3' to 5', हमने क्या बेसिस लिखी है, ए टी जी ए। इसी तरह यहाँ पर थी टी ए सी और टी। अब आपके सेल के अंदर डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड अवेलेबल होते हैं, ठीक है, डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस अवेलेबल होती हैं, डिफरेंट एंजाइम्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैदरिंग दोज न्यूक्लियोटाइड एंड दे आर एंड हर जो प्रोसेस है ना इसका एक एक स्टेप कि डीएनए मॉलिक्यूल कैसे अनकॉइल होगा, कैसे अनजिप होगा, एक दूसरे से सेपरेट होगा, न्यू न्यूक्लियोटाइड आएंगे, न्यू न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे, ईच एंड एवरी थिंग इज़ रेगुलेटेड बाई एंजाइम्स, एवरी स्टेप इज़ रेगुलेटेड बाई एंजाइम।
सो वो एंजाइम डिफरेंट होंगे जो न्यूक्लियोटाइड को इकट्ठा करके लाएंगे, वो एंजाइम डिफरेंट होंगे जो इस इन न्यूक्लियोटाइड्स को इसके सामने असेंबल करेंगे और डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। अब देखें, 5' to 3' ये एंड है, तो जो आपका न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो डेफिनेटली 3' to 5' होगा। इसके 5' एंड को रीड करते हुए न्यू न्यूक्लियोटाइड की ट्रांसक्रिप्ट आएगी और वो इसके आगे आके लगती जाएगी, ठीक है। अब डिफरेंट आरएनए, आपके न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं, लेकिन इसके सामने वही न्यूक्लियोटाइड लग सकता है जो इसका कम्प्लीमेंट्री है, जो इसके कम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। ए का कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड क्या है? टी, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्ट्रैंड बिल्डअप होना शुरू हो गया है। अच्छा, अब नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा, इट विल बी ए। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा, इट विल बी सी। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा, इट विल बी टी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड, ये 3' to 5' है, इसके जो इसकी जो है वो रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। ये देखें, इसका जो आएगा वो ए, नेक्स्ट आएगा जी, नेक्स्ट आएगा टी, नेक्स्ट आएगा आपका ए, ठीक है। अब इनके दरमियान में बॉन्ड डेवलप होंगे। आपको पता है एडेनिन और थायमिन के दरमियान हमेशा डबल बॉन्ड होता है, गुआनिन साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, इनके दरमियान डबल बॉन्ड। इसी तरह यहाँ पर इस तरीके से टू न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड एंड बोथ दीज आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। बोथ डुप्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट डुप्लेक्स मॉलिक्यूल। ये देखें, ए था ए, टी टी, इसी तरह ए टी, दोनों के आगे सेम सेम कॉपीज बन गई। उसमें ये हुआ कि ये देखें, ये हमारे पास पेरेंट स्ट्रैंड थे, ये वाला भी, ठीक है। और ये हमारे पास डॉटर स्ट्रैंड हैं, ये वाले जो न्यू बने हैं। पेरेंट जो है उनमें से एक एक जो है पेरेंट का स्ट्रैंड था, एक एक डॉटर का है, तो हर डुप्लेक्स के अंदर एक पेरेंट जो है साइड वो कंजर्व रह जाती है। देखें, ये डबल स्ट्रैंड था ना, इसका हाफ एक साइड पे कंजर्व रह गया, हाफ एक साइड पे कंजर्व रह गया। चूंकि हाफ डीएनए का जो मॉलिक्यूल है कंजर्व होता है, इस वजह से इस मॉडल को सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब पार्शली कंजर्वेटिव, ठीक है, विच इज नॉट फुली कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब है फुली कंजर्वेटिव का मतलब है कि डिटो कॉपी, सेम टू सेम सारा मॉलिक्यूल आगे चला गया है। ये बना बेशक एग्जैक्ट इसके जैसा है, लेकिन ये इससे नहीं बना, इसके हाफ स्ट्रैंड से बना है। चूंकि दोनों मॉलिक्यूल में पेरेंट का एक एक स्ट्रैंड कंजर्व हुआ है, इस वजह से इसे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहा जाता है। और यही वो मॉडल है जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है इन होल मोलेक्युलर बायोलॉजी। उसके बाद जो मॉडल है दैट इज कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव मॉडल, वो दोनों मॉडल जो थे वो जस्ट अब एक नॉलेज की लेक होने की वजह से थे, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करते। कंजर्वेटिव का मतलब है कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो एज इट इज कंजर्व हो गया है। वो कहते हैं ये इस तरीके से है, ये बिल्कुल भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, इसकी एग्जैक्ट ऐसी एक डिटू कॉपी बन जाती है, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि पूरे का पूरा पेरेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज कंजर्व्ड इन द न्यू जनरेशन, ठीक है। लेकिन ये ये मॉडल भी जो है वो गलत है। इसके बाद है डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्सिव मॉडल में वो कहते हैं कि जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो पहले सेपरेट होते हैं, उसके बाद सारे न्यूक्लियोटाइड ऐसे डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर जब ये दोबारा असेंबल होते हैं तो फिर इनकी जो असेंबलेज है वो रैंडम होती है, जिसमें इनके अंदर कुछ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाते हैं। डिस्पर्सिव का मतलब ये होता है कि पहले वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, सारा मॉडल पीसीज में डिवाइड हो जाता है, जब दोबारा वो असेंबल होते हैं पीसीज तो वो रैंडमली होते हैं, जो पहला पैटर्न होता है उससे वो चेंज हो जाते हैं। इस वजह से इस मॉडल को डिस्पर्सिव मॉडल कहा जाता है। डिस्पर्सिव मॉडल भी और जो कंजर्वेटिव मॉडल है, बोथ आर नॉट प्रैक्टिकल मॉडल्स। द ओनली मॉडल विच इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। और इसी सेमी कंजर्वेटिव मॉडल की हमने कल को डिस्क्रिप्शन पढ़नी है कि यह कैसे रेप्लिकेशन का प्रोसेस करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाए हमारे पास साइंटिस्ट थे मैथ्यू मेल्सन,
and Franklin settled. They did in 1958 experiment about the replication of DNA. इन्होंने जस्ट ये बताया था कि DNA वाकई ही replicate करता है, इन्होंने हमें mechanism नहीं बताया था. कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इन्होंने वर्किंग की थी अपनी सारी. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दो पैटरी प्लेट्स ली थी. मैं ये सारा एक दफ़ा बोर्ड रेस करूँगी यहाँ से. इन्होंने टू पैटरी प्लेट्स ली थी, एक पे इसके ऊपर इन्होंने बैक्टीरिया ग्रो किए थे. ठीक है, इस बैक्टीरिया को जो उन्होंने न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड किया था, उस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर इन्होंने N15 नाइट्रोजन 15 के आइसोटोप इंसर्ट किए थे, नाइट्रोजन 15 के हैवी आइसोटोप इंसर्ट किए थे, और इस मीडियम के अंदर उन्होंने नाइट्रोजन 14 के आइसोटोप इंसर्ट किए थे. ठीक है, अब यहाँ पर जो बैक्टीरिया ग्रो किए, उन्होंने न्यूट्रिएंट कहाँ से लिया, अपनी पैट्री प्लेट से. इन्होंने कहाँ से लिया, अपनी पैट्री प्लेट से. जब उन्होंने वो न्यूट्रिएंट मीडियम इनटेक किया, तो ये जो N15 है, इट बिकम द पार्ट ऑफ देयर DNA. और सिमिलरली यहाँ पर वो N14 बिकम द पार्ट ऑफ DNA. अब इसका जो DNA है, इस पैट्री प्लेट के जो बैक्टीरिया हैं, उनके DNA में N15 आइसोटोप इनकॉर्पोरेटेड है, और जो ये वाली पैट्री प्लेट है, इसके बैक्टीरिया के DNA में N14 आइसोटोप जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है. ठीक है, जब हम इन्हें सेंट्रीफ्यूज मशीन में रन करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, हम इनके DNA को आइसोलेट DNA, और उस DNA को हम सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल देते हैं. ठीक है, DNA N14 प्लस सीजियम क्लोराइड, और इसी तरह यहाँ पर N15. ठीक है, हम इसको इनको अब इन मटेरियल सीजियम क्लोराइड में मिक्स करके इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर डाल के उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख देते हैं, और इसे हाई रेजोल्यूशन पावर पे स्पिन होने देते हैं. ठीक है, आफ्टर वाइल जब वो मशीन स्टॉप होती है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं उसमें ये होता है, चूँकि N15 हैवी आइसोटोप था, N14 लाइट आइसोटोप था, तो जो N15 का DNA है वो आपको यहाँ ज़रा नीचे मिलेगा. ठीक है, जो N14 का है वो आपको ज़रा ऊपर मिलेगा, क्योंकि वो लाइट इन डेंसिटी है, तो इस वजह से वो आपको थोड़ा सा अबव मिलेगा. ठीक है, ये है N14 लाइट था इसलिए थोड़ा सा, और ये हैवी था N15 इसलिए ये थोड़ा सा बेस की तरफ है. इसकी डेंसिटी हाई है, इसकी डेंसिटी क्या है, लो. अब उसने क्या किया, अब उसने N15 और N14 को एक ही पैटरी प्लेट में डाल दिया. ठीक है, उसने N15 और N14 को एक ही पैटरी प्लेट में डाल दिया. अब इसके जो बैक्टीरिया हैं, उनमें कुछ में तो N14 और N15 का ही DNA होगा, लेकिन कुछ DNA जब हमने यहाँ पे वो सीजियम क्लोराइड में DNA एक्सट्रैक्ट करके इसको ऑब्जर्व किया, तो इसमें कुछ DNA ऐसे आए जो इन बिटवीन द N14 और N15 थे. देखें, अगर वो N14 होता कम्प्लीटली तो वो ऊपर होता, अगर N15 होता तो वो नीचे होता, लेकिन ये दरमियान में आया है. इसको जब ऑब्जर्व किया, तो हमने जब इसके स्ट्रैंड चेक किए, तो इसमें एक स्ट्रैंड N15 का था और एक स्ट्रैंड N14 का था. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये हाइब्रिड है, दिस इज हाइब्रिड, ये टू का कॉम्बिनेशन बन गया. DNA के किसी स्ट्रैंड में N14 इंसर्ट हो गया, किसी में N15 इंसर्ट हो गया. ठीक है, अब उसने क्या किया, अब उसने ये किया कि ये जो N15 और N14 वाले हाइब्रिड थे आपके बैक्टीरियल DNA, इसको उन्होंने N14 वाले मीडियम में डाल दिया. N14 मीडियम के अंदर उन्होंने हाइब्रिड बैक्टीरिया को इंसर्ट कर दिया. ठीक है, अब चूंकि इनके DNA जो है वो क्या है,
N14 और N15 कंटेनिंग है, जबकि N14 मीडियम के क्या हैं, वो सारे के सारे N14 कंटेनिंग है। देखें हमने यहाँ पर N14 मीडियम के जो DNA लिए वो ये हैं, ठीक है, जो N14 मीडियम के हैं, लेकिन हमने इस N14 मीडियम में हाइब्रिड बैक्टीरिया भी इंसर्ट किए हैं जिनके DNA क्या हैं, N15 और N14। अब जब रेप्लिकेशन होगी तो वो कैसे होगी, पहले N14 के दोनों मॉलिक्यूल गेट सेपरेटेड एंड इसके अलग अलग हो गए, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास डबल कंडीशन आएगी, वो क्या आएगी, जब ये दोनों मॉलिक्यूल सेपरेट हुए तो इसका एक मॉलिक्यूल इसके आगे और इसका मॉलिक्यूल इसके आगे आके लग गया, ठीक है। N14 की जब दो कॉपियाँ बनी और इसकी जब दो कॉपियाँ बनी तो हमारे पास सिचुएशन क्या आई, ये देखिए हमारे पास N14 भी आएंगे और मिक्सचर भी आएंगे, हमारे पास ये देखें N15 और इसका स्ट्रैंड आया N14, ठीक है। इसी तरह जब ये आगे रेप्लिकेट करते जाएंगे तो N14 की जो है वो क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमने इन्हें ग्रो किस मीडियम में किया है, N14 में। अगर हम यही हाइब्रिड बैक्टीरिया उठा के N15 मीडियम में रख दें तो हमारे पास पहली कुछ जनरेशन में हाइब्रिड बैक्टीरिया हाइब्रिड DNA आएंगे, लेकिन उसके बाद ज़्यादा DNA वो आने शुरू हो जाएंगे जिस मीडियम में वो प्रेजेंट है, मतलब N15, ठीक है। हम दोनों तरीके से ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पहला एक्सपेरिमेंट हमने किया कि उन्हें सिर्फ N15 मीडियम में ग्रो किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने उन्हें सिर्फ N14 मीडियम में ग्रो किया, तीसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने N15 और N14 को मिक्स कर दिया जिसमें हमारे पास हाइब्रिड आए। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हाइब्रिड को चेक करने के लिए कि वाकई रेप्लिकेशन होती है या नहीं, बारी बारी N14 में डाल दें और उसके बाद N15 में डाल दें। आप देखेंगे कि दोनों टाइप के मीडियम में डालने के बाद कुछ जनरेशन्स में हाइब्रिड आते रहेंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा रेशो उस मीडियम की आएगी जिस मीडियम में वो बेसिकली प्रेजेंट हैं, वो चाहे N14 का है या वो N15 का है। दिस एक्सपेरिमेंट रियली एक्सप्रेस दैट कि आपका जो DNA है इट रेप्लीकेट, इट मेक्स इट कॉपीज, ठीक है। लर्न दिस इज़ वेरी इजी एक्सपेरिमेंट, लर्न इट थॉरली, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। और ये सारी डिटेल मैंने वही लिखी है जो मैंने आपको अभी बताई भी थी कि दे ग्रू बैक्टीरिया इन N15 एंड N14 मीडियम, ठीक है। उसके बाद N15 DNA वाज डेंसिटी वाज हाई एज कंपेयर टू N14, दे ट्रांसफर्ड बैक्टीरिया फ्रॉम N15 टू N14, डिजॉल्व DNA इन सीजियम क्लोराइड एंड स्पन एट हाई स्पीड, DNA एस्टेब्लिश अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेडियंट। जो N15 के थे वो हाई डेंसिटी थे वो नीचे बैठ गए, जो 14 के थे वो लाइट डेंसिटी थे वो ऊपर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब फर्स्ट रेप्लिकेशन राउंड कंप्लीट हुआ हाइब्रिड के बाद, तो दूसरा जो हमारे पास तीसरी टाइप आई वो हाइब्रिड थी जिसमें DNA मॉलिक्यूल ना ऊपर थे ना नीचे थे बल्कि दरमियान में डिस्पर्स हो गए। आफ्टर द सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन जो हमारे पास N14 N15 वो मिक्सचर भी आया, और चूंकि हमने उन्हें N14 मीडियम में ग्रो किया था तो हमारे पास N14 वाले भी आने शुरू हो गए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर, टुमारो वी विल स्टार्ट DNA रेप्लिकेशन। अप टू देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।